एक बार बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में आप सभी श्रोताओं को, ऑनलाइन व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार हम प्रकट कर रहे हैं। मैं पंडित राम कुमार सेवक पापाटोईटोई ऑकलैंड न्यूजीलैंड से आपके बीच में रेडियो रिश्ते के इस पावन प्लेटफॉर्म पर, इस प्लेटफॉर्म पर पावन कथा को लेकर के आ रहे हैं। और ये पावन कथा है श्री रामचरितमानस की कथा जो आपके सामने विद्यमान है। और पहले तो मेरा एक बहुत बड़ा धन्यवाद है रेडियो रिश्ते का, जो हर एक हमारी त्योहारों को, जैसे राम नवमी, जैसे जैसे रामनवमी, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, जैसे महाशिवरात्रि और दीपावली जैसे महोत्सव त्योहारों को हमारे बीच में रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल, हमारे ऑपरेशंस मैनेजर सिंह शर्मा जी, हमारे मीडिया रिलेशंस के माधवी पिल्ली जी, साथ में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशवती सिंह जी और श्री राम जी, और हमारे जितने भी बहुत होनहार हमारे आरजेज हैं, आरजे निमरा पठान, आरजे जयंती पड़ियाची, आरजे जैस्मीन खान, आप सबको और आरजे शबानू आपको भी हम शामिल करते हैं इस 2022 की पावन श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में। पहले तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पूज्य माता श्री का साष्टांग प्रणाम भेंट करूं, अपने स्वर्गीय पिता श्री के चरणों को मेरा प्रणाम है, और अपने तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम पर विराजमान हुए हमारे गुरुदेव जी, प्रातःस्मरणीय पूजनीय आदरणीय हमारे श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी के चरणों को मेरा बार बार साष्टांग प्रणाम है, जिनके दिव्य दर्शन अभी थोड़ा 5 मिनट पहले हम किए। और साथ साथ रामघाट में स्थित भागवत कृपा सेवा आश्रम पर विराजे समस्त विद्यार्थियों और आश्रम के सदस्यों के साथ में, जिनके साथ मेरी वार्तालाप आज हुई, और बहुत बहुत शुभकामनाएं राम नवमी पर उन्होंने दी। ये हमारे प्रातःस्मरणीय आदरणीय मेरे बहुत ही परम स्नेही प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, आपको भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद, आपका हम स्वागत करते हैं। समस्त आश्रम के जितने भी साधु वृंद और सभी जितने सदस्य हैं उनको साथ में लेकर के मैं अपने तबला वादक बेटा नमन स्वामी, और आज हमारे साथ एक और सदस्य हैं मेरे शिवनेश जी, फिजी से जल्दी पधारपण किए हुए हैं, और हमारे साथ में जब जब भी नमन स्वामी आएंगे ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे शिवनेश भी हमारे साथ में होंगे। आज हमारे स्टूडियोज में हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं जो जो भी जन हमारे साथ में जुड़ेंगे। आज से लेकर के 9 दिन तक
उन सबको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माता जी आपको प्रणाम है, और साथ में हमारे अंजना जी जो संकल्प ने रखी है कि कथा होगी तो हम जरूर आएंगे, और उनके पोते भी आए हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद है। जो जो बाद में जुड़ने वाले हमारे साथ में इस स्टूडियोज में, उनका भव्य स्वागत होगा, और जो जो ऑनलाइन व्यूअर्स हमारे साथ में है उन सबको मैं अपनी तरफ से रेडियो ऋषि के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सुंदर है, इस नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर में बैठे आज मेरे बहुत कॉल्स आए हैं, कहाँ स्क्रिप्टन में प्रोग्राम कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कोविड की कारण हम सिर्फ अपने स्टूडियोज में से आपके घरों में आएंगे, तो अपने छोटे स्क्रीन पर चाहे अपने बड़े स्क्रीन पर आप मुझे देख रहे हो, इसके लिए मैं आपको सभी को बहुत 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 धन्यवाद करता हूं। आइए नमन बेटा के साथ में और शिवनेश बेटा के साथ में हम चले प्रथम दिवस की इस रामनवमी पर्व, कैसे, क्यों, कहां और कब सुंदर सुंदर कथा को लेकर के वक्ता लोग जहां जहां भी आज जिनके जिनके आश्रम पर या मंदिरों में जो इस कथा को ला रहे हैं आपके बीच में, उन सबको अपने सानिध्य में लेता हूं, उन सबको साथ में लेता हूं, और हम चले सभी को बड़े भाव से सर्वप्रथम दिवस से का हम अपना परमात्मा के चरणों में नमस्कार भेंट करेंगे। मां सरस्वती गणपति भगवान की आराधना करें। हरि ओम, स्वस्ते श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री कथा देश विदेश में लाने के लिए
रेडियो रिश्ते के इस प्लेटफॉर्म से मेरे चैनल पंडित डॉट राम कुमार सेवक के पेज पर ताबू सोरे मिथिलेश भैया उनके माध्यम से भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा पेज पर सतीश जी और सब मॉडरेटर्स हमारे मीना जी हमारे देविका महाराज जी साथ में जीना जी और अवसुन जी हमारे शिव जी सभी को मैं अपने साथ में लेता हुआ पहली दिवस में कल से हम लोग सिर्फ हमारी स्पॉन्सर्स का नाम हम प्रस्तुत करेंगे, बाकी जितने भी लोग हैं सबको हम मनीमन प्रणाम कर लेंगे। अपने विद्वत को प्रणाम करना जरूरी है, लेकिन जितने हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं सबको मैं नौ दिन में कहीं ना कहीं जरूर, जो हमारे हर एक सप्ताह हमारी प्रोग्राम में हमारा साथ देते हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से उनको विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। आइए हम चले नमन बेटा के साथ में, शिवनेश बेटा के साथ में, हल्की सी मंजीरा के साथ में। आज पहली बार हम लोग दो ही होते थे ना, आज इनके साथ में हैं तो मंजीरा का भी मजा हम ले और भगवान की परम स्तुति करें हम सब मिल करके। सीता जी का आशीर्वाद चाहिए, भागवत कथा होती है ना, तो हम बार बार महात्माओं को सुने हैं। हमारे गुरुदेव जी बोला करते हैं और हमारे मुक्त मणि शास्त्री जी हमारे
अतिशय प्रिय, तथा करते तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो आप जोर से बोल सकते हो, रेडियो रिश्ते के जितने श्रोता है अगर ये सुन रहे तो कितना अच्छा होगा, जो तो यहाँ है और जो ना है यहाँ अपने घर में है तो अपने घर में मस्ती में आप बोलेंगे जय जय श्री सीताराम। आइए भाव से माँ जानकी जी चरणों को हम चले, उनसे प्रार्थना करें। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास ने मैया की वंदना जब करी है तो चौपाइयों के माध्यम से क्या लिखा है उसने, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अति सय जो राम जी के अति प्रिय है वो देवी शक्ति, वो आराध्य देवी भगवती मैया लक्ष्मी के चरणों को हम सब वंदन करें। खास करके हमारे वक्ता लोग जो कथा करते हैं ना उनके लिए तो विशेषता है, जिनके मन निर्मल कर दे, और जो श्रोता है उनके लिए भी माँ जगत जननी जनक सुता सीता जी की कृपा मिल जाएगी तो मन निर्मल हो जाएगा, और जब मन निर्मल हो जाएगा कथा कहने में कथा सुनने में आनंद आएगा। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंपर दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। पहले पकड़ा दे
ये साधक बहुत सुंदर लिखा है, मानव जीवन पर विजय प्राप्त करनी है, धरती और अंबर की हमें नाप तौल करना है, समुद्र में जाकर के रत्नों को पाना है, तो पहले डोर परमात्मा के हाथ में दे दें, तो परमात्मा हमारी जीवन की नैया को पार करेगा। जीवन के नैया को पार करने के लिए यही एक साधन है, हर प्रकार से हम प्रभु के चरणों में लग जाए, आराधना करते हुए, वंदना करते हुए, पुष्प पत्र आदि जो चढ़ाते हैं। भगवान श्री कहते हैं, हे अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे वक्त्र प्रयच्छति। मैं सभी कुछ को स्वीकार करता हूं, सगुण रूप में आकर के भक्तों से मैं उनसे वो दिया हुआ पत्र पुष्प फल जल मैं अपने हाथों से लेता हूं। कितना द्रवित बात है, कितना सुंदर बात है, प्रभु हमारे हाथों से कुछ ले। आइए प्यारे श्रोताओं, पुनः एक बार सभी जो जुड़ गए हैं, देर में जुड़े होंगे, आपको अभिनंदन कर रहा हूं मैं। और हम चले, देखिए जिस ग्रंथ की स्थापना होती है, जिस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, आप लोग शायद हर सप्ताह देखते होंगे कथा, ये रामचरितमानस यह पर खुला होती है, इसको हम कहीं घुसकाते नहीं है, ये हमारे साथ में यही रहती है। और जब जब भी मुझे मौका लगता है ना, मैं आ जाता हूं, यहां बैठता हूं एकांत में, और इसमें लिखी श्लोक है, चौपाइयां है, इसमें लिखी छंदो है, दोहे हैं, जिसको पढ़ पढ़ करके स्वयं आनंदित होता हूं मैं। क्यों? क्योंकि राम कथा ही ऐसी है, इसका परिचय तो विशेषता है। कोई ग्रंथ हम स्थापना करें, उनका लगातार प्रसार प्रसार करें, तो हमारा एक दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, कि जो ग्रंथ आगे विद्यमान है उस ग्रंथ की हम पहले परिचय। लेकिन रामचरितमानस का परिचय आप और हम, इससे कोई अज्ञात तो नहीं है, इससे कोई हम लोग दूर तो नहीं है, सभी भक्त प्रेमी हैं, सभी प्रभु के चरणारविंदन के प्रेमी हैं। मुझे तो गौरव है इस बात का कि मैं दो ऐसे बहुत महारथियों को, विद्वत लोगों को मैं नाम लेकर के उनका आशीर्वाद देता हूं। एक तो हमारे गुरु जी स्वयं स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज, जो चौथे फिरते रामायण है, और एक हमारे गुप्तमणि शास्त्री जी, जो भागवतकार भी है, रामायण की कथा करते हैं, श्लोक आदि जो सुनता है सुनाते हैं ना, तो मुझे एक अंदर से तृप्ति होती है, अंदर से मुझे प्रसन्नता आती है। तो अब आप थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे, हम सब अपने अपने घरों में थोड़े थोड़े देर के लिए, जब जब प्रसंग बंद हो तो थोड़ा चिंतन करेंगे। जैसे गाय दिन भर चरने के बाद में शाम को बैठती है ना, तो वो अपने खूंटे पर बंधी अपने मुख चलाती है, क्यों करती है? वो पागुर करती है, पागुर वो जितना दिन भर खाई है ना, उसको फिर वो पूछती है, और उसी से दूध निकलता है। ऐसे जो हम सुने उस पर थोड़ा देरी बैठ करके एकांत में चिंतन करने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त होता है, यही भजन है। और इस भजन को करने के लिए
ना कहीं सांस की जरूरत है, ना तो नमन बेटा को हमें बनाने की जरूरत है। अकेला में वो चिंतन करी जाती है, अकेला में वो भजन करी जाती है। तो पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने इस पवित्र ग्रंथ को जब हमारे बीच में रखा है तो उसने स्वाभाविक है पूज्यवर महर्षि वाल्मीकि के श्लोक तो रखे हैं और नहीं रखे होंगे तो आप इसको देख लें। बालकांड के प्रथम पन्ने पर आपको श्लोक मिलता है और श्लोक क्या है, ओम शनो मित्र शनु वरुण शनो भवत्र यमा शनो इंद्र बृहस्पति शनो विष्णु रुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मायसि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवकतारम् औतु औतु माम् औतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक को श्री पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास ने बालकांड में प्रथम लिखा और उसके तदोपरांत उन्होंने एक श्लोक लिखा है जिस श्लोक में मैं बहुत संक्षिप्त में चल करके सीधे राम कथा पर आता हूं। हम लोग इस ग्रंथ का परिचय दे रहे हैं, इस ग्रंथ को शुरुआत करने के एक जो नियम है उस नियम को पालन कर रहा हूं मैं। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी का वर्णन है श्लोक में, संस्कृत के विद्वान थे लेकिन उन्होंने आम भाषा में इसको लिखा है, साथ साथ में संस्कृत श्लोकों को भी रखा है ताकि जो विद्वत लोग हैं उनको कहने का ये अवसर प्रदान न हो कि ये ग्रंथ सबसे पहले तो देखे वर्ण शब्द से शुरू होता है। वर्ण नाम अर्थ संधानम् रसानाम् छंदसामपि मंगलानाम् च कर्तारौ बंदे बाणी विनायको विनायको और वाणी, लेकिन पहले वाणी तब विनायक। वाणी कौन? मां सरस्वती। विनायको तो कौन? गणपति जी। मां सरस्वती की कृपा से श्री गोसाई तुलसीदास ने इस ग्रंथ की हमारे बीच में रचना करी और गणपति भगवान उन्होंने बुद्धि प्रदान करी। तो वाणी और बुद्धि दोनों को साथ साथ श्री तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। तब आया है श्रद्धा और विश्वास और वो है कौन?
भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो यभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। भवानी है शंकर, एक है श्रद्धा और दूसरा है विश्वास। बिना श्रद्धा से ये ग्रंथ पकड़ी नहीं जाएगी और विश्वास, बिना विश्वास कुछ ना होने वाला है। बिना विश्वास नहीं होना। इसीलिए शंकर भगवान के मस्तक पर विराजे वो जो तेरह चंद्रमा है ना, वो भी वंदनीय हो जाता है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिनं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्राः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्रामं पुण्यावरणं विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कवीश्वरो कपीश्वर। ये दो है, एक कवीश्वर वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी, इनका वंदना करते हुए फिर तो आगे बहुत गए हैं परमात्मन। पूज्य चरण गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, एक एक करके सबको वंदना करते हुए पहुंचते हैं उस खंड में, उस जगह। मैं कथा को प्रयास करूंगा, कथा रूप में आप आगे बढ़ा, कथा सुने हम। और कथा सुने किसकी? राम जन्म का हेतु, राम जी के जन्म क्यों, राम जन्म के कारण क्या है? और ये बात मैया पार्वती ने ही तो पूछा, किससे? सदाशिव शंकर भोलेनाथ भगवान से पूछे। पिछले जन्म में सती के रूप में, उमा जी के रूप में चूक गई थी, इस बार नहीं चूकना चाहती है। इस बार कहा उसने कि स्वामी, संशय तो नहीं लेकिन मेरे मन में कई ऐसी बातें हैं जो इंग्लिश में बोले तो नीड्स क्लैरिफिकेशन, लिटिल बिट ऑफ डाउट हियर एंड देयर। और कोई विद्वत आ जाए सामने, समबडी नॉलेजेबल आ जाए ना बेटा, तो उनसे पूछोगे तो गुरु रूप में आपको वो बताएगा कि इसकी हल क्या है, इसकी समस्या को कैसे सुधारें, हाउ डू वी सॉल्व दिस सिचुएशन। और एक बहुत ही प्रसिद्ध मुनि जो
तीर्थराग प्रयाग में जब जब भी मकर संक्रांति आती है तो कितना साधुओं की सानिध्य होती है, एक से एक प्रखंड विद्वान आते हैं। तो ये मां उमा जी का संशय नहीं, बल्कि हमारे श्री भारद्वाज मुनि का भी तो संशय था। ही ऑलवेज थॉट कि भाई राम जी तो हैं, लेकिन ये राम जी क्या ब्रह्म है? राम जी जो राम जी को शंकर भगवान जपते हैं, जिनको वेद नेति नेति कहते हैं, क्या वही राम जो आज पृथ्वी पर आए हैं वही ब्रह्म है? बस इतना सा छोटा इतना ही बात। और इस बात को लेकर के भरद्वाज मुनि ने अपना संशय दूर कहां करा? पूज्य चरण श्री याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जी के चरणों को पूज करके दिव्य आसन पर बिठा करके उनकी विधिवत पूजा करने के बाद में हाथ जोड़ करके कहा कि हे मुनिवर, मेरे मन में एक संदेह है। इस संदेह को हमारे उपनिषद कहते हैं, हमारे पुराण श्रुति कहते हैं कि अगर संशय को दूर ना किया जाए तो संशय एक भयंकर रूप ले सकता है। एलिमेंट ऑफ डाउट हमें क्या कर सकता है? हमें पागल कर सकता है, हमारा मृत्यु का कारण बन सकता है, जैसे मां उमा को हुआ ना, उन्होंने संशय करी। और ये बात याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने भरद्वाज जी से कहा कि मैं आपको ये कथा सुनाऊंगा कि उस समय की बात जब त्रेता युग आई थी, तब एक कल्प की बात है, त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में श्री शंभुनाथ भगवान ने कथा सुनने के लिए अगस्त मुनि के आश्रम पर विदाई, चौपाई आया है। एक बार त्रेता युग माये शंकर भगवान आए हुए हैं, उनकी पूजा करें।
तो माँ को संशय हुआ कि ये कथा क्या करेगा। हमारे पति देव जिनको सारे संसार पूजता है, आज एक साधारण बलकर पहने हुए वनवासी को जय सच्चिदानंद का जब निकले आश्रम से बाहर तब यही हुआ। उसके कारण से मैया उमा को ये शरीर छोड़ना पड़ा। अजन्मी जाकर के कहा हिमालय राज के घर पर मैया मैना और हिमालय राज के घर पर ये जन्मी। मरते समय उन्होंने वरदान मांगा हरि से, सती मरत हरि संग तो कितने अच्छे अच्छे बात बताए मैंने भैया और हिमालय को, लेकिन अवगुण भी बता दिए और फल भी समझा दिए। उन्होंने बड़ा सुंदर माता जो इनके हाथों में अवगुण लिखे हैं, इनका पति अमंगल वेश वाला होगा, इनका पति नगर वेश वाला होगा, इनका पति बिनु माता पिता वाला होगा, घर द्वार होंगे ऐसा कौन मां चाहेगा कि हमारा या हमारी कन्या को ऐसा वर मिले। तो देव ऋषि ने कहा युवा समारत को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान होते हैं उनमें दोष नहीं होता है। उपमा दे दिया तीन, रवि पावक सुर सरीकिनाई, रवि सूर्य पावक अग्नि सुर सरी गंगा जी, ये तीर को कभी दोष नहीं लगता। सूर्य भगवान फूलों का रस चूसता है, विष्टा का रस भी चूसता है, गंगा जी जीते को तारते हैं और मुर्दे को भी तार देते हैं, अग्नि हमारे यज्ञ में प्रकट होकर के हमारी हविष्यान को स्वीकार करता है और चिता पर मुर्दा भी जला देता है। तो अग्नि कभी दूषित नहीं होती, सूर्य कभी दूषित नहीं होता है, और गंगा जी तो गंगा जी है। तपस्या करे तो उनको शिव जी जैसा पति मिलेगा।
समस्या में कभी कहीं व्यक्त भी मां मैंने बहुत निराश हुई, लेकिन देव ऋषि समझ गए। इधर तारक नाम का असुर जिन्होंने बहुत तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिया कि अगर कोई मुझे मारे तो शंकर जी के संतान हो, और जब से उमा जी अपने पिता दक्ष के घर जा करके अपने शरीर का अंत कर दी है, तब से भूत भावन भगवान एकांत में काम पर विजय प्राप्त किया है। तो शादी कैसे हो, तो यहीं पर श्री भगवान रामचंद्र जी देवता लोग काम देव को भेजा, जाओ शंभुनाथ भगवान की तपस्या भंग करो। और जब तक तपस्या भंग नहीं होगी तब तक विवाह होगी। भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जला दिया। बड़ी संक्षिप्त में एक कथा को ले जा रहा हूं, जहां पहुंचा है वहां पहुंचा लिया। ध्यान खोलो, पार्वती तेरे तपस्या में सप्त ऋषि को भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुमति पा करके सप्त ऋषि को भेजा है परीक्षा हेतु। सप्त ऋषि गए भैया पार्वती के पास में, जो तपस्या करते अपने शरीर की शुद्धि भी नहीं रखी, उनको लालच दिया, अरे जिसकी तू तपस्या कर रही है, जिसकी याद में वो तुम्हें क्या देगा, हम तुम्हारी शादी तुम्हारी विवाह हम नारायण भगवान से करवा देंगे। नहीं नहीं, मुझे तो बस मेरा आराध्य देव देवर आदि देव महादेव से ही शादी करनी है। भगवान शंकर के पास सप्त ऋषि आकर के संदेश दिया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मां पार्वती को पिता हिमालय आए और लेने के लिए, और शादी की तैयारियां हुई, और शंकर भगवान और मां पार्वती की धूमधाम से शादी हो गई। ये चरित्र पहले गाई जाती है। तब श्रद्धा से हम बाकी शेष दिनों की कथा सुन पाएंगे। भोग में डूबे और पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन किए कि कार्तिकेय का जन्म हुआ, शरणानंद जो सेनापति है देवों का, उन्होंने तारक सूर को वध किया। बड़े शांत मुद्रा में एक दिन शंकर भगवान बैठे,
मैया पार्वती ने सोचा, जैसे भरद्वाज मुनि का संचय था ऐसे हम भी अपना संचय थोड़ा बहुत क्यों सुदूर कर लें। पतिदेव का प्रणाम करके और नाम भाग में मिला चरण को साइकिल सिद्धांत जी का वर्णन है। जब उन्होंने प्रश्न किया है वही प्रश्न, राम कौन, मंडव महादेव, भगवान का उत्तर, सब विधि सुलापा जपत जिस नाम, हे देवी वो है कौन, मंगल भव अमंगल अजीरा प्रणाम किया है त्रिपुरारी ने प्रभु राम, वो राम जिनकी कथा सुनना चाहती है पार्वती जी, वो कौन है इस चौपाई के माध्यम से सुने और आज रात सोने के समय में इसी चौपाई पर चिंतन करना हम सब, हम करें आप करें। शंकर भगवान ने मैया पार्वती को कहा धन्य है, धन्य है, धन्य है देवी। क्यों धन्य है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। वाह, पर हंत बसे जिन मन माही, अपने लिए नहीं। पार्वती जी का ये प्रश्न अपने लिए नहीं था, किसके लिए था, हम और आपके लिए। और ये स्पष्ट करते हैं भूत भावन भगवान शंकर जी, स्पष्ट करते हैं अगली चौपाई में, और ये चौपाई हमारी आज की आखिरी चौपाई होगी आज रात के लिए। कल ठीक फिर 7 बजे हम और आप इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। भूत भावन शंकर भगवान कहते हैं और तुलसीदास जी अपने हाथों से इस चौपाई को लिखा, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा। हे देवी धन्य है तुम, आपने जो रघुपति सबके पति रघुपति की कथा प्रसंग पूछा है ना, ऐसे ही जैसे गंगा जी
उद्गम स्थान से निकल करके भारत को तृप्त करती हुई अंत में गंगा सागर में जाकर के विलीन हो जाती है, सारा भारत को तृप्त करती है। ऐसे ये कथा विभिन्न व्यासपीठ से निकल करके श्रोताओं के कान के माध्यम से उनके हृदय में बसती। तुम रघुवीर चरण अनुरागी हो कशन जगत हित लागी कीन हो कशन जगत हित लागी। ऐसी पावनी गंगा जैसी कथा जो है ना, हमारे जैसे कई हजार हजार की संख्या में वक्ता लोग कथा सुना रहे होंगे आप। हमारी न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश विदेश में कथा जा रही है। पूज्य चरण गुरुदेव जी महाराज की कृपा आज मिली, आदरणीय संत मूर्ति मुक्तामणि शास्त्री जी की आज हमें आशीर्वाद मिला। सारी अयोध्या में बैठे हमारे कई संत लोग हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। ये जगत पावनी कथा कितना प्यारी है, गंगा की तरह पवित्र है। जब तक ये पानी रहे मेरी सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे चैनल पर सावी देवी द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ नव दिन का रामनवमी का प्रथम दिवस आज यहीं पर विराम हो रहे हैं। सभी के घर में सुख शांति बना रहे हैं, सभी के मन में परमात्मा का निवास स्थान बने, सभी के घर में राम नाम की महिमा का गूंज गूंजे, यही प्रार्थना मेरी व्यासपीठ की तरफ से हमारे दोनों साथी शिवनेश मंजीरा पर और हमारे उस्ताद तबला वादक नमन स्वामी को भी धन्यवाद देते हुए आप सबसे प्रार्थना करेंगे। कल हमारे साथ में इसी चैनल पर आप फिर जुड़ जाइएगा, हम आपका प्रतीक्षा करेंगे 7 बजे कल शाम को। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महीमहिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सहनावतो सहना भुनक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनांवदिद्मस्तु मा विधिविदिशावहे कायान वाचान मनसेन इन्द्रियार्वा
बुद्ध्यात्मनाकृत्य स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणाय ते समर्पयामि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारे जो भक्तजन आए हुए हैं अपने घरों से कुछ लाए हैं तो उनके हम चढ़वा देते। नैवेद्यं समर्पयामि इदं फलं माया देवं प्राविदं मुरुदस्त्व तेन मास्कदा वाप्य भर्वे जन्मनि जन्मनि आचमन कर ले आचमनियं प्रतिग्रहताम हरि ओम। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हवे ब्रह्मा गणो ब्रह्मणावतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना अहं विश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देवमाश्रिताः प्राण प्राण समायुक्ता पचाजन्यं चतुर्विधम्। आरती सिर्फ एक पद हम लोग लाइव करेंगे और कल से हम लोग कोशिश करेंगे पूरा आरती आपके बीच में आएगी। सभी कोई अपने अपने घर में जो बैठे हैं सभी हमारे साथ में एक पद के लिए आरती में आप सब जुट जाएंगे। आरती श्री रामायण जी की जो जो भक्तजन हमारे बीच में इस कथा को सुन रहे हैं आप चाहते हैं कि अपने घर में आरती करेंगे तो आरती की थाली तैयार रखें कल से और आरती हम आपको हर रात्रि को रेडियो रिश्ते के माध्यम से आपके बीच में लाएंगे। चारों वेद पुराण अष्टादश छो सात सब जंतर कोरस मुनि जन धन सं तन को सरबस सारांश मस सब हियादि आरति श्री रामायण जी की कीरत कलि कर ललित सिया की कलि मर हर विषय रस पीति सुभ रस युवती दलन रोग आरति श्री रामायण जी की कीरत करि ललित सिया की कीरत करि ललित सिया की। भगवान श्री रामचंद्र की कर्पूर गौरम करुणातारम संसार सारम वजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवम भवानी सहितम नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि नाना सुगंधानि पुष्पाणि मिथा कालो हरिं च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहणां परमेश्वर। धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सबका। आप सबको जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।